दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट कितने समय तक के लिए आपकी जो प्रोफाइल है उस पर इम्पैक्ट डालती है, कब तक उसे नेगेटिव में रखती है, या फिर बैंक या एनबीएफसी फ्यूचर में जो है वो इसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, क्या फ्यूचर में भी वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको नेगेटिव यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल पर पड़ने वाले हैं उनके बारे में आपको पहले से ज़रूर पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी, और आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपने इस चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरीके से क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट यहाँ पर किया हुआ है या फिर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में जो है वो ये चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास रेगुलर बेसिस पर आ रहे हैं कि अगर हम जो है वो पे नहीं कर पाते तो क्या हम सेटलमेंट जो है वो कर सकते हैं, बैंक हमसे यहाँ पर सेटलमेंट करने के लिए कह रहा है क्योंकि रेगुलर बेसिस पर हम जो है वो यहाँ पर अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितने टाइम बाद जो है वो यहाँ पर बैंक या एनबीएफसी जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट को जो आप पे नहीं कर पा रहे हैं, बिल पे नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, उसको यहाँ पर रिपोर्ट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कि भाई ये जो अकाउंट है ये डिफॉल्टर में जा रहा है, ये जो है वो पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अगर आप 3 महीने जो है वो बिल पे नहीं करते, यानी क्वार्टर तक आपका जो बिल है वो पे नहीं होता है, तो यहाँ पर जो बैंक है, एनबीएफसी है, वो एजेंसीज को यहाँ पर रिपोर्ट कर देते हैं कि ये जो अकाउंट है ये डिफॉल्टर में जा रहा है, वो उसको एनपीए कर देते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो है वो आ जाता है जो भी अमाउंट वहां पर दिया गया अब होता दोस्तों, है। यहाँ पर काफी सारे लोग जो है वो सेटलमेंट की तरफ जाते हैं कि वो लोग उसको जो है वो 3 महीने बाद भी यहाँ पर, क्योंकि बैंक की तरफ से उनको रेगुलर मेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स भी आना शुरू हो जाते हैं, कई बार जो है वो थर्ड पार्टी रिकवरी वाले जो है वो कॉल करना शुरू कर देते हैं, वो हैरेस भी करते हैं लोगों को, गालियां भी देते हैं, गलत भी बोलते हैं यहाँ पर, कई बार जो है उनको बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर भी कई बार वो प्रताड़ित कर देते हैं यहाँ पर। तो इस केस में लोगों के पास में जो है वो एक ऑप्शन और आ जाता है कि भाई वो लोग जो है वो सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप सेटलमेंट के लिए जाते हैं यहाँ पर, अब सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर कई बार लोग अपनी तरफ से अपफ्रंट जो है वो उनको लगता है कि भाई पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली बैंक या एनबीएफसी से जो है वो बात कर लेते हैं कि भाई हम ये जो है वो अकाउंट अमाउंट जो है वो पे नहीं कर पाएंगे, तो अकाउंट को यहाँ पर सेटलमेंट में हम लोग क्लोज करना चाहते हैं। तो इसका जो है वो सेटलमेंट का जो भी बनता है आप हमें बता दीजिए, जो प्रोसीजर है यहाँ पर आप हमें वो इन्फॉर्म कर दीजिए किस तरीके से हमें आगे यहाँ पर बढ़ना है और इसको जो है हमें सेटल करना है। तो यहाँ पर एक तो ये जो है वो तरीका हो जाता है, इसके अलावा दूसरा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म तक जो है उसको पे नहीं कर पा रहे, अमाउंट धीरे धीरे ऑब्वियसली आपका बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो वहां पर आपकी लगती रहती है, कॉल्स आपके पास में आती रहती है, एक टाइम के बाद में वो कॉल्स भी आना जो है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जो बैंक है या जो एनबीएफसी उस अमाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं। अब आप सेटलमेंट यहाँ पर चाहे अपनी तरफ से करें या फिर राइट ऑफ होने के बाद में वो सेटलमेंट जो है वो आप करें, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं लाइक सिबिल है, एक्सपेरियन है या इक्विफैक्स है, ये आपका जो अकाउंट होगा उसे यहाँ पर सेटलमेंट स्टेटस में ही क्लोज करेंगे। वो प्रॉपर तरीके से जो क्लोजिंग होती है क्लोज्ड में नहीं जाएगा, वो सेटल्ड ही वहाँ पर मेंशन किया जाता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो ध्यान रखना होगा कि जब भी आप सेटलमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पर 75 से लेकर के 150 तक पॉइंट्स जो है वो डाउन हो जाते हैं, जो हमारे क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जनरली, जो हमारी क्रेडिट रेटिंग होती है। अब ये मिनिमम जो है वो 300 होती है, मैक्सिमम 900 होती है, जब भी आप कोई लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट लेते ही ऑब्वियसली वो जो है वो पहले ही थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है, तो जनरली 850 के आसपास जो है वो रहता है। 850 में से भी अगर आपका जो है वो यहाँ पर 150 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट जो है वो चला जाता है तो वो आपका जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ जो है वो कुछ एक प्रोडक्ट ऑलरेडी लिए हुए हैं, अमाउंट आप जो है वो पे नहीं कर पा रहे, तो पहले से वो जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन होता चला जाता है। अब यहां पर जनरली जब सेटलमेंट करते हैं किसी भी तरीके से तो आपका जो स्कोर है वो कई बार 600 या 600 से नीचे तक जो है वो चला जाता है। तो अगर आपका जो स्कोर यहां पर 700 से नीचे है तो ऑब्वियसली कोई भी नया क्रेडिट कार्ड या लोन जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पर सेटलमेंट जो है वो कर भी लिया है तो कितने टाइम तक ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है सेटलमेंट का, जो सेटलमेंट यहाँ पर लिखा गया है आपके प्रोफाइल में, वो कितने टाइम तक जो है वो जो का त्यों रहेगा, यानी कि वो आपके प्रोफाइल में जो है वो शो करता रहता है।
तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 के तहत जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो किसी भी तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपकी पॉजिटिव की हो यानी गुड क्लोजर की हो या नेगेटिव क्लोजर की हो, उसको 7 ईयर्स तक के लिए यहाँ पर जो है वो अपडेट रखती हैं अपने अकाउंट में, और उनकी जो रिपोर्ट है उसमें मैंशन करके उसको रखा जाता है 7 ईयर्स के बाद में। जनरली आपने जो है वो सुना भी होगा, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमने सेटलमेंट जो है वो 2007 में, 2006 में, 2005 में किया था, लेकिन अभी उनको नए क्रेडिट कार्ड या लोन जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में 7 ईयर्स के बाद में अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का जो अपडेट है वहां पर नहीं होता है तो ये जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और पॉइंट्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आप फ्यूचर में फिर लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरल तरीके से। लेकिन लेकिन क्या हो अगर कि एनबीएफसी या क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका ये प्रोफाइल पर, जो आपकी प्रोफाइल जो नेगेटिव की यहाँ पर ऑलरेडी रिमार्क की हुई है, सेटल की रिमार्क की हुई है, उस पर किसी भी तरीके से पेमेंट का जो है वो एक अपडेट यहाँ पर फिर से फॉरवर्ड करा देता है रेटिंग एजेंसीज के पास में, तो क्या होगा कि नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए अगेन फिर से आपकी जो प्रोफाइल है वो उसमें नेगेटिव रिमार्क्स में चला जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग हमने अपना पिछला वीडियो जो है वो शेयर किया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर आपका सेटलमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पर आ रहा है तो आप उसे किस तरीके से क्लोज्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि क्लोज्ड वहां पर जो है उसे करा सकते हैं, और फ्यूचर में फिर आप जो है पॉजिटिव रिमार्क्स के तहत किसी भी तरीके से क्रेडिट कार्ड या लोन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया में जनरली बहुत सारी एनबीएफसीज हैं या प्राइवेट बैंक हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपका जो क्रेडिट में सेटलमेंट आपने किया हुआ है और अचानक से कुछ टाइम के बाद में भी हो सकता है 3-4 साल 4 साल के बाद में जो है वो बैंक या एनबीएफसी यहाँ पर अचानक से जगता है और वो आपका जो प्रोफाइल है या जो लास्ट पेमेंट स्टेटस है उसको फिर से रिफ्रेश कर देता है, तो अगेन नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए वो फिर से नेगेटिव रिमार्क्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इतने टाइम के बाद में आपके पास अमाउंट है और आप उस अकाउंट को जो है वो वहाँ पर स्टेटस चेंज करा सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो आप जरूर करा लीजिएगा ताकि फ्यूचर में उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपकी प्रोफाइल पर ना आए। और उसके लिए आप हमारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पर अपना जो स्टेटस है उसको चेंज नहीं कराते हैं और आपका सेम सेटलमेंट का जो स्टेटस है वो चल रहा है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि जनरली 7 ईयर्स से पहले आप अगर किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो रेटिंग एजेंसीज हैं सिंपली वो आपकी जो रिपोर्ट है सिमिलरली वो सबके साथ में शेयर करती हैं, बैंक के साथ में, एनबीएफसी के साथ में, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इन बिटवीन आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल एप्लीकेशन जो वो आपको नहीं देनी है ताकि जो पॉइंट्स आपके ऑलरेडी कम हैं वो फिर से कम ना हो, यानी कि स्कोर जो है वो आपका डाउन यहां पर ना जाए, और आपका जो स्कोर है अगर आपने उसको रीबिल्ड करना शुरू कर दिया किसी भी तरीके से, यानी कि आपने कोई सिक्योर क्रेडिट कार्ड जो है वो यहां पर ले लिया है या स्टेटस जो है वो आपने चेंज कराया है, तो उसको आपको जो है वो धीरे धीरे करके यहां पर उसको बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसको डाउन में जो है वो नहीं लेकर जाना है, अपना स्कोर जो है आपको डाउन नहीं करना है, तो यहां पर कुछ एक चीजों का जो है वो आपको खास ख्याल रखना होगा। दोस्तों इसके बाद भी अगर आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर 7 ईयर्स भी, तो यहां पर आपको जो है ध्यान रखना होगा कि कई सारे बैंक आपकी जो प्राइवेट बैंक हैं जनरली लाइक यहाँ पर सिटी बैंक जो है वो इस केसेस में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है अगर आपने किसी भी तरीके से सेटलमेंट जो है वो कराया हुआ है, काफी टाइम यहाँ पर हो चुका है उसके बाद भी आई डोंट नो कैसे वो जो है वो यहाँ पर चेक करते हैं, तो इसका आपको जो है ध्यान रखना है कि जो इसी तरीके से अगर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर अप्रूव हो सकती है, आपका 7-8 साल जो है वो हो चुके हैं, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है अगर आप वहां पर अप्लाई करते हैं तो कई बार बैंक जो है वो अपने रिस्क टेकिंग जो एबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कितने टाइम से जो है वो आपका उनके साथ में लिंक यहाँ पर चल रहा है, रिलेशनशिप चल रही है, किस तरीके से आपने उसको यहाँ पर बिल्ड करके रखा हुआ है, तो मे बी उसके आधार पर बैंक यहाँ पर जो है अपनी तरफ से एक रिस्क ले सकता है और आपको क्रेडिट कार्ड या जो लोन है वो प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है तो ये हेल्प करता है आपके क्रेडिट को और अच्छे तरीके से रीबिल्ड करने में। अब यहाँ पर आपके पास में इन बिटवीन जब आप इंस्टेंट जो है वो सेटलमेंट करते हैं तो बहुत सारी एजेंसीज या जो थर्ड पार्टीज होती हैं वो आपको कॉल कर सकते हैं कि सर जी आप हमें इतना अमाउंट दीजिए, हम आपका जो बैंक है या जो एनबीएफसी है उससे बात करेंगे और आपका जो क्रेडिट है उसको रिपेयर करवा देंगे। तो यहाँ पर आपके पास भी जो है वो ऑप्शन होते हैं बजाय उनके चक्कर में पड़ने के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो नहीं डलवा पाते हैं आपके प्रोफाइल पर। बहुत सारे केसेस में आपकी जो प्रोफाइल है वो झोंक की त्यों रहती है, उसमें कुछ एक पॉइंट का जो है वो जरूर फर्क पड़ जाता है, लेकिन वो सिंपली अपनी तरफ से काम करके भी आप उसको यहाँ पर इंप्रूव जो है अपने स्कोर को कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिव बनाते हैं और जिन पर काम करके आप अपने स्कोर को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, यहाँ पर रिबिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है तो आप हमारे लाइव वीडियोस में भी जुड़ सकते हैं हर बुधवार, शनिवार, रविवार रात 9:30 बजे से। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए